नमस्कार दोस्तों, गुरु महाराज हमारी मदद करें। दोस्तों, AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड आपने नाम सुना हुआ है, इसमें किस तरह की बॉन्डिंग होती है? आपने कहा ये तो कोई बहुत खास बात नहीं है मित्र, सर दुनिया जानती है AlCl3 में कोवलेंट कंपाउंड होता है, एक एल्युमिनियम 3 क्लोरीन होते हैं। अच्छा, देखते हैं क्या कुछ खास बात है इसके अंदर। अगर आपसे कोई कहे एट लो टेम्परेचर, तो याद रखिए AlCl3 एग्जिस्ट एज आयोनिक कंपाउंड। ये एक आयोनिक कंपाउंड कितने एग्जिस्ट करता है? एल्यूमिनियम आयन सराउंडेड बाय सिक्स क्लोराइड आयन, इन्हें CCP या FCC भी कह सकते हैं। आप जानते हैं जब कोई सॉलिड स्टेट में आपने ये बात पढ़ी होती है कि कोई आयन किसी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होगा, एल्यूमिनियम आयन इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्लोराइड। दोस्तों, एक बार क्वेश्चन आ गया इसमें इस बात पे, उसने पूछा IIT का एक क्वेश्चन था, एडवांस में इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन, सॉरी आयन नहीं बोला उसने, ऑफ एल्युमिनियम इन सॉलिड AlCl। तो इस क्वेश्चन में ओबीबीएस था कि क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर पूछी है, सर्टेनली वो AlCl3 के आयनिक फॉर्म की बात कर रहे हैं। उसने नहीं लिखा था लो टेम्परेचर, तो फिर भी अगर वो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है तो आप समझ, आप बच्चा फोर्थ से समझ गया कि वो लो टेम्परेचर पे AlCl3 की बात कर रहा है। तो यहां पर अब तो आपको लगा होगा कि भाई बॉन्डिंग इन AlCl3 तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इसमें, तो क्योंकि हम तो सिंपल सोचते थे एक एल्युमिनियम 3 क्लोराइड से 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, SP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखते हैं, इनफैक्ट आप याद रखिए कि फ्लोराइड्स ऑफ, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, NCERT का फैक्ट है और या एग्जामिनेशन में आता है, फ्लोराइड्स ऑफ एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम, अब जानते हैं ना ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट है बोरोन को छोड़कर, ऑल आर आयनिक, ये आयनिक ही होते हर टेम्परेचर, ऑल टेम्परेचर। और जब हम बात कर रहे हैं यहां पे किसकी, AlCl3 कोवलेंट कंपाउंड, आपने काफी तो बताया था आपने आयनिक होता है, ये कोवलेंट कंपाउंड। नॉर्मली ये आपसे कोई कहे तो आप फौरन से कहते हैं ये कोवलेंट कंपाउंड है। आयनिक कब है? जब
जब लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। वैसे शायद आप जानते हैं इस बारे में, आपने कभी वो किया हो, AlCl3 एक वाइट कलर का पाउडर होता है, वाइट पाउडर। कई बार ये अगर देखा जाए तो कई बार ये येलो भी दिखाई देता है, आप बाजार से गए कहीं पे मिले आप, तो कई बार ये येलो दिखाई देता है, ऐसे तो वाइट होता है। येलो ये तब हो जाता है ड्यू टू इंप्योरिटी ऑफ, जब इसके अंदर इंप्योरिटी होती है, फेरिक क्लोराइड की इंप्योरिटी हो तो AlCl3 कैसा कंपाउंड है, एट लो टेम्परेचर, अभी आपने पढ़ा आयनिक कंपाउंड Al+3 इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन नंबर आप जानते हैं 6, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कोई भी चीज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। अब नॉर्मली जब कहा जाए तो ये तो लो टेम्परेचर, इट इज ए कोवलेंट कंपाउंड है। आपने कहा यस हम जानते हैं, एक एल्युमिनियम 3 क्लोरीन से बॉन्ड किया, सुनते रहे, विच एग्जिस्ट एच डाई, डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है। मैं आपको बता दूं कि AlCl3 AlBr3 एंड GaCl ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं जो डाइमर की तरह एग्जिस्ट करते हैं। डाइमर मतलब नॉर्मली तो आप AlCl3 के बारे में ये जानते हैं, एल्युमिनियम के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 क्लोरीन से बॉन्डिंग, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन समस्या बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। लेकिन समस्या क्या है इस स्ट्रक्चर में कि भाई ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रह गए, एल्युमिनियम के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 क्लोरीन से उसने बॉन्ड बना लिए, 6 रह गए। भगवान ने बना के तो मेटल भेजा था लेकिन इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाया, तो 13 कोवलेंट बना लिया, 6 हो गए। अब नोटिस मिला हुआ है इसे कि भाई साहब 8 बनाइए नहीं तो आपको गिरा दिया जाएगा। अब बेचारा क्या करे, आंसुओं से रो रहा है, क्या करूं, बड़ा परेशान है सब, आंसू आ रहे। तो फिर इसे एक तरकीब सी हुई कि भाई मैं डाइमर की तरह एग्जिस्ट कर जा, और कोई तो मदद नहीं कर रहा, मैं अपनी मदद खुद कर। तो दो AlCl3 आपस में एक दूसरे से जुड़, इस क्लोरीन ने इस क्लोरीन पे दे दिया, इस क्लोरीन ने इस क्लोरीन, दिस इज द डाइमर। और मजे की बात देखिए, जब वैसे तो आप लोग जानते हैं डाइमर का मतलब क्या होता है, कि यहां पे दो तरह के क्लोरीन आ गए, एक क्लोरीन तो हो गए आपके कौन से, जो टर्मिनल क्लोरीन कॉर्नर पे, और एक क्लोरीन ऐसे हो गए जो ब्रिज क्लोरीन,
drift. ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड करेक्टर है स्केल, ये छोटा बॉन्ड है 206 पिकोमीटर का, ये सिंगल बॉन्ड करेक्टर नहीं है एक तरह से भाई, क्लोरीन को बेचारे को दो बॉन्ड बनाने पड़ रहे, ये थोड़ा लॉन्गर बॉन्ड 221 पिकोमीटर के आसपास है और एक बार एनसीईआरटी से चेक कर ले, कोई पूछता नहीं है वैसे। जो 120 डिग्री का बॉन्डिंग एंगल था वो बेचारा घट के 118 रह गया डायमंड इस तरह से। अब कोई आपसे पूछ सकता है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि क्या इन एल्यूमिनियम किलोग्राम ऑल AlCl बॉन्ड्स आर सेम, आपसे पूछ सकते तो आपका आंसर फौरन से बनेगा, आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे AlCl बॉन्ड की बात कर रहा है तो हमें AlCl3 सोचना है और AlCl3 एग्जिस्ट है डाइमर, AlCl3 की बात नहीं करेंगे, उसके डाइमर की बात करेंगे, वो डाइमर की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है और डाइमर है तो आप जानते हैं 2 टाइप ऑफ AlCl बॉन्ड, दो तरह के बॉन्ड है, एक शॉर्टर है छोटा बॉन्ड है और एक लॉन्गर बॉन्ड। मतलब अगर हम ध्यान से समझे तो AlCl3 ध्यान दीजिए सब लोग एट लो टेम्परेचर, आपने कहा यस अभी आपने बताया था लो टेम्परेचर पे क्या होता है, फिर रिपीट कर रहा हूं, आयनिक बॉन्ड एल्यूमिनियम आयन सराउंडेड बाय 6 किलोग्राम, ये तो तब है जब वो लो टेम्परेचर, नॉर्मली वो आपसे AlCl3 कहे, खाली AlCl3 आपसे कहे तो एग्जिस्ट एज डाइमर, डाइमर की तरह। आपने कहा ठीक है मित्र सर समझ गए हम, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें और नो डाउट AlCl 4Cl से बॉन्ड बना रहा होगा, सारे बॉन्ड इक्वल बॉन्ड लेंथ के नहीं होते, दो तरह के बॉन्ड, ये बात समझ में आ गई। अगर मैं इसको हीट करूं, इनफैक्ट अगर मैं लो टेम्परेचर वाले को हीट करूं पहले तो ये आयनिक टू कोवलेंट हो गया हीट करने, और मजे की बात ये है कि ये जो आयनिक था यहां पे, यहां क्लोज पैक स्ट्रक्चर था और यहां पे बॉन्ड वो बन गया, तो एक जब यहां से आयनिक टू कोवलेंट बना तो वॉल्यूम बहुत इंक्रीज हो गया। कई बार देखा होगा ना आपने कि चीज को आप गर्म करते तो फूलने लगती है, ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ, लो टेम्परेचर से आप ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे लाए AlCl3 को तो वो AlCl3 फूल गया, क्यों? क्योंकि जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर था, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर था आयनिक की वजह से, अब वो कोवलेंट में कन्वर्ट हुआ और Al2Cl6 बनने शुरू हो। अब इसे मैं फर्दर हीट कर दूँ यहाँ, और जब मैंने फर्दर हीट किया इसे तो ये सा आपका मोल्टेन AlCl3 हो पिघला हुआ। अब ये कैसे एग्जिस्ट करता है? स्टेलेटेड डाइमर, अभी भी ये डाइमर है। तो आपसे कोई पूछे एल्यूमिनियम क्लोराइड लिक्विड स्टेट में कैसा होता है? डाइमर होता है सर। अब मैंने इसे और हीट कर दिया, और ही अब इसकी वेपर्स बन गई सर, मजे की बात यह है कि स्टेलेटेड डाइमर अभी भी ये डाइमर है, और अगर मैं बहुत ज्यादा हीटिंग कर बहुत ज्यादा तब ये AlCl3 गैस बनाएगा। तो अगर कोई AlCl3 के बारे में बात करता है AlCl3 वो तो साहब बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके तब वो गैस एग्जिस्ट करेगा। वेपर्स भी इसकी डाइमर होती है, वेपर्स में भी ये Al2Cl6 है,
मॉल्टेन स्टेट में भी ये Al2Cl6 है और नॉर्मल तो भी ये Al2Cl6 है ही। अब अगर मैं क्या करूं, आपने देखा होगा जब आप फ्रीडलक्राफ्ट टीचर में इस्तेमाल करते हैं तो लगातार आप एनहाइड्रस Al3 की बात करते हैं। एनहाइड्रस Al3 का मतलब Al2Cl6। अब क्योंकि इसने बेचारे ने जुगाड़ बना रखी है तभी तो ये डाइमर बन के एग्जिस्ट कर रहा है, तो अभी भी ये बढ़िया लिविस एसिड है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, 5 इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी है, जुगाड़ की वजह से दो भाई आपस में मिलके बनाते रहे, चाहिए ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो बढ़िया लिविस एसिड है। गुड लिविस एसिड एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। और यहां पे एक बढ़िया चीज बन जाती है कि अगर मैं कहा Al3 जाता है जबकि होता है Al2Cl6 है, अगर मैं इसको डाइमर है इसको किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालू, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन में डालू, तो साहब ये डाइमर का डाइमर ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इसे पानी में डालू, ये क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है, जेई में भी आया हुआ है, व्हेन AlCl3 डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट बिकम आयनिक, ये आयनिक हो जाता है H, द हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्योंकि Al+3 का साइज छोटा होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर। सम I1+I2+I3, तो पानी में डालने पर ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आयनिक कंपाउंड हो जाता है। आपने कहा जैसे वहां था, वहां किया था कैसे हो जाएगा, अब तो पानी भी मौजूद है, वहां तो खाली एल्युमिनियम आयन और क्लोराइड आयन थे, अब ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, Al+3 एक्वस एंड Cl-, यहां भी एक क्वेश्चन बनेगा, आज नहीं बनेगा कुछ दिन बाद में। तो अगर ये क्या है, एल्कलाइन सॉल्यूशन ले लूं मैं यहां पे, तो ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और अगर मैं नॉर्मल पानी ले लूं तो क्योंकि क्लोराइड आयन मौजूद है तो ये एसिडिक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में, क्योंकि एसिडिक है। एनसीईआरटी ने थोड़ा सा यहाँ पे कहा है कि पानी में डालने पर ये AlOH44- टेट्राहेड्रल बनाता है, एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा कहा है, एक्चुअली ये तब बनाता है टेट्राहेड्रल जब एल्कलाइन वाटर होता है, एसिडिक वाटर में क्योंकि क्लोराइड खुद एसिडिक सॉल्यूशन बना लेते हैं, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, तो मिलके फिर ऑक्टाहेड्रल आता है यहाँ पे। तो कल को पूछ सकता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि साहब अगर हम Al3 को पानी में डालते हैं या वो मॉइस्चर अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है तब उसकी फॉर्म क्या होती है, तो आंसर Al2+3 की फॉर्म में ऑक्टाहेड्रल बनाता है, एल्कलाइन मीडियम में ये टेट्राहेड्रल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको Al3 पसंद आया होगा, आपने इसके बारे में काफ़ी चीज़ सीखी इस तरह की बॉन्डिंग होती है, और अब कोई आपसे कहे व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, द आंसर इज SP3 इट इज नॉट SP2, अगर वो AlCl3 गैस लिखे बाकायदा तब इट इज SP2, और आपसे वेपर स्टेट में कहे तो भी ये SP3 है, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नमस्कार।